सतर्कता से है जहां जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है जहां जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार नेपाल से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है जहां जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है जहां जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है।
दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। खबर की ओर अगली बड़ी खबर पटना से है, जो आज जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार नेपाल से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर अगली बड़ी खबर पटना से है, जो आज जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार नेपाल से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर अगली बड़ी खबर पटना से है, जो आज जल संसाधन विभाग का बड़ा एक्शन, कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब बिहार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोसी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में अब बिहार से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार नेपाल से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे बिहार को काफी नुकसान हो सकता है और ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कोशी और गंडक नदी पर 90 इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता, 3 अधीक्षण अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। और दरअसल नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए अब जो है बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है।